हरम में मंगवाए हैं ये रामेन। हरम बताओ इनकी प्राइस, और तुमने इतने बड़े मंगा लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हरम कह रही है कि ब्लॉग जो है वो स्माइल के साथ करो, और मैं अभी सो के उठी हूँ तो उस वजह से चले मैं स्माइल कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं रामेन से, नूडल्स जो होते हैं कोरियन, तो वो हरम ने मंगवाए हैं तो आप उसे बनाते हैं। हरम को बहुत पसंद है वो नूडल्स, इवन जुहा को भी बहुत पसंद है। मैंने खाए हैं लेकिन मलेशिया में बहुत पहले, मैं ज़्यादातर नहीं खाती हूँ इस नूडल्स वगैरह, मुझे इतने पसंद नहीं। हरम ने मंगवाए हैं ये रामेन। हरम बताओ इनकी प्राइस, और तुमने इतने बड़े मंगा लिए। सब पाँच हैं, अगर सिंगल मंगाओ ना तो सिंगल में लॉस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल आपको 450 या 470 का पड़ता है, और इसमें पाँच आपको 100 मिलती है। ये हैं कैसे, मैंने तो ट्राई नहीं करे ये। हम खाएंगे अपने को, बहुत यही फ्लेवर। चलो तुम्हारा चक्के देखूंगी, अगर मुझे अच्छे लगे तो फिर बना लूंगी। मैं दो चीज़ें दी जाती हैं, ये है सॉस जो कि हॉट सॉस होता है, ये बहुत स्पाइसी होता है। वैसे मैं तो पूरा डाल लेती हूँ, अगर लेकिन अगर आप बहुत स्पाइसी नहीं खा सकते तो आप थोड़ा भी डाल सकते हैं, लेकिन तब भी बहुत स्पाइसी होता है। एंड ये पाउडर है चिकन पाउडर, जो कार्बोनारा का चीज़ पाउडर होता है, ये वो है। ठीक है, ये नूडल्स हैं। तो अगर इसके नूडल्स आप देखें तो इसके जो नूडल्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं नॉर्मल मैगी से, मोटे होते हैं और थोड़े से च्यूई होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं, नॉर्मल मैगी की तरह नहीं होते, तो ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्वांटिटी भी बहुत होती है, उनके नूडल्स का साइज आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है। तो ये अब ये इसको डाल दिया है, अब ये बना रहे हैं हम लोग नूडल्स। देखते हैं कि अगर मुझे पसंद आए नूडल्स, मैं हरम का ही चक्के देखूंगी तो फिर मैं खा लूंगी, क्योंकि फिर पैकेट ज़ाया हो जाएगा, इस वजह से पहले मैं उसके चक्के देखूंगी कि मुझे कैसे लगता है। आप देख सकते हैं नूडल्स जो हैं वो बॉयल हो गए, अब ये बहुत ही अच्छे शेप में भी आ गए हैं, और इनका साइज़ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा। तो ये वर्थ इट होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट आई थिंक दीज आर प्रीटी वर्थ इट, क्योंकि ये बहुत मज़े के हैं। अभी शूप ने नए नूडल्स निकाले हैं लेकिन वो बहुत ही बेकार है, सो अगर किसी को कार्बन आ रहा है या फिर कोरियन नूडल्स तो वो आप ये खाएं, वो तो मैं खा भी नहीं पाई थी, इतना गंदा टेस्ट था। अच्छा, तब मैं इनको बनाती हूँ, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसमें डाल दिए हम लोगों ने, इनका जो पानी ज़्यादा है ना वो मैं थोड़ा सा ड्रेन करूँगी। सही, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ा है ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। थोड़ा थोड़ा डालोगी ना सब? नहीं, मैं सारा सॉस डालती हूँ। ये है सॉस, आप लोग देख सकते हैं इट्स प्रिटी रेड, इसलिए ये बहुत स्पाइसी भी होता है। मिक्सिंग हो रही है। इसी के साथ मैं अभी ये पाउडर भी डाल दूंगी पूरा। इससे जो है ये इसका मतलब वो है टेस्ट मेकर है। सही, इससे ही कार्बोनारा का जो टेस्ट है ना वो आता है। तो कोई ये नहीं करे कि नहीं डाले, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम खाए थे ना तो मैंने थोड़ा सा ये डालना छोड़ दिया था, तो टेस्ट वो नहीं आया था, पूरे डालने चाहिए। सही है, अब इसको मिक्स करूँगी। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इनको, काफ़ी स्पाइसी लग रहे हैं। मैं खाती हूँ, अच्छे हैं लेकिन बहुत मिर्चे हैं। लेकिन मैं एक और नहीं बना सकती क्योंकि बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, बस मैंने खा लिया। मुझे काफ़ी अच्छे लगे, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करे ये वाला फ्लेवर, तो काफ़ी अच्छे लगे मुझे। इनका हो गया काम ख़त्म, अब ये कार्बोनारा भाई साहब जो है रामेन नूडल्स ये साइड पे पड़े हैं, आए खा पी लिया और काम ख़त्म। गाइस, जैसे आप सबने देखा मैं रामेन खा रही थी, उसके बाद मुझे इतनी मिर्चें लगी कि मैंने करी है जुहा की आइसक्रीम चोरी, जो कि कौन से टेस्ट की है, ब्लूबेरी, बट बहुत ही बुरी है।
वो भी कह रही थी पता नहीं कौन सी हरम ने ले ली मेरे लिए। वो खाती अतरंगी आइसक्रीम ले, इसलिए मैंने उसके लिए ये ली थी, बट उसको अच्छी नहीं लगी और मुझे लग रही है बहुत सारी मिर्चें, तो मैं ये खा रही हूँ। शावी के साथ खेलते खेलते अम्मा ने खिचड़ी बनाई हुई थी, बस खिचड़ी खाई चटनी के साथ जो कि बहुत मज़े की लग रही थी। फिर जो है वो चाचा जो है वो फिंगर फिश ले आए थे, बहुत मज़े की थी वो भी। उसके साथ जो है वो हरी मिर्चें थी, नींबू डाला ऊपर और चटनी भी निकाल ली, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन था। और साथ में वो पेड़े भी ले आए थे, बहुत टाइम से मैंने पेड़े भी नहीं खाए थे और टेस्ट काफ़ी अच्छा था। ये देखे गोल गोल मज़े मज़े के। तो हमारा खाना पीना तो हो गया गाइस, बहुत मज़े की फिश थी वो, खाई चटनी के साथ। हरी मिर्च नहीं खाती मैं ज़्यादातर, बहुत कम खाती हूँ, लेकिन काफ़ी मज़े का था खाना। पेड़े भी बहुत अच्छे थे। अभी रात के 3 बज रहे हैं और चाचा जो है वो ये सब ले आए, तो हम लोगों ने खा लिया। बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बच्चे भी सो गए हैं, तो मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे दगी भाई कहते हैं, जैसे जुहाने का दबा दीजिएगा। और अब तक के लिए यही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।